80 में तो फिर मैं स्टेशन पे किताबें बेचने लग गया था, जैसे अपने गांव का स्टेशन होता है इस टाइप का छोटा सा स्टेशन था। 85 के बाद ऑटो रिक्शा चलाया, फिर 90 से टैक्सी चलाई, और टैक्सियाँ भी 5-6 ही तो होती थी बस, अब तो 250 के करीब टैक्सियाँ हैं। उस सबके साथ बहुत प्यार मोहब्बत थी पहले, सब एक दूसरे को जानते थे, परिवार एक दूसरे को जानता था, कोई बात भी होती थी सब एक साथ इकट्ठे हो जाते थे। जितना स्टेशन बड़ा होता जा रहा उतना प्यार कम होता था। दोपहर में ज़्यादातर बच्चे सो जाते हैं, लेकिन हम नहीं सोते थे, फैमिली सो जाती थी। मतलब बहुत इंजॉय करा है, बहुत ही ज़्यादा। कभी इस दरगाह में बैठ के खेल रहे हैं, कभी उस दरगाह के पास बैठ के खेल रहे हैं। 8-9 साल की उम्र में मुझे नहीं लगता बच्चे आजकल इतना घूमते होंगे, हिमाइटम्स जाते होंगे, तब तो टिकट भी नहीं लगता, अब तो 10 रुपये लगते हैं। इमली का पेड़ होता था, कच्ची इमली आती थी, वो हम लोग कटारे कहते हैं जिसे। मैं ये बता रहा हूँ, ये आपने खानखाना टूम देखा होगा, जब हम लोग बस से जाते थे ना तो 18 नंबर बस वानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से ओखला के लिए चलती थी, वो वाया जामिया नगर होके जाती थी। तो ये जो था खानखाना टूम, इतना बुरी तरह से जंगल से ढका हुआ था कि हम लोग मेन रोड के ऊपर खड़े होते थे। मेन रोड से मतलब है ऑन द रोड, मिडिल ऑफ द रोड, क्यों ना ट्रैफिक था ना कुछ था, बस आएगी तो दूर से नज़र आ जाएगी, हम किनारे हो जाके रोक लेंगे, आप दिखाएंगे और बैठ के चले जाएंगे, इतना ज़बरदस्त जंगल था। As we migrated from Pakistan, my father, his first posting was Nizamuddin East as station master. एक पार्सल क्लर्क होता था, पार्सल बुकिंग एंड ऑल दैट। एक सिग्नलर होता था, यू नो व्हाट इज सिग्नलर? टेलीग्राम सेंडर, जो दिस ईवर इज सेंडर, ही इज कॉल्ड सिग्नलर। उस जमाने से टेलीग्राम से ही काम होते थे सारे, टिक 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 टिक। एट दैट टाइम देयर ओनली वन ट्रैक, सिंगल ट्रैक पूरा होता था दिल्ली से बॉम्बे तक, दिल्ली से कलकत्ता तक, ये दिल्ली बॉम्बे लाइन थी। लेकिन उस जमाने में रेयरली एक्सीडेंट होते थे सिंगल ट्रैक में, लेकिन ट्रेनें इतनी लेट हो जाती थी, एक ट्रेन पास हो गई फिर दूसरी ट्रेन, फिर उसमें एक सिस्टम होता था कनेक्टिविटी फ्रॉम वन स्टेशन विद द अदर, तो उसमें रिंग लगा देते थे, और जो भी रेलवे इंजन जाता था ना, रेलवे इंजन के साथ में एक डंडा सा लगा था और रिंग उसके अंदर अटक जाता था और लेके चला जाता। तो बड़ा एक यानी ब्रिटिशर्स एस्टेब्लिश्ड ए वेरी परफेक्ट सिस्टम। नहीं, यहाँ पर कच्चे घर तो देखिए मेरे हिसाब से किसी के भी नहीं थे, क्यों? क्योंकि ये गांव तो है नहीं जो यहाँ कच्चे घर मिलेगा। बहरहाल घर यहाँ पर इस तरह थे जैसे यहाँ पर कभी किला हुआ करता था किसी ज़माने, उसी किले का एक हिस्सा हमारा घर है, तो उसकी बाउंड्री काफ़ी दूर तक जा रही है। 4 बुर्ज थे यहाँ पर, तो उसके अंदर जो लोग रहने वाले, बहुत बड़े बड़े घर हैं उसके अंदर, काफ़ी सारी फैमिलियाँ भी बसी हुई हैं, जैसे हुमायूं टूम है बड़े बड़े पत्थरों का, तो उस टाइप के वो घर बने हुए हैं। तो उसमें क्या करते थे वो लोग, मिट्टी होती थी ना पुराने, आपसे 30-40 साल पहले उसके अंदर मिट्टी से लेपा करते थे उसको, तो उसको उन्होंने कच्चा कह दिया, कच्चा तो या किसी का घर था ही नहीं। I had a twin brother and an elder brother, so we were 3 of us. And we had a few friends. We had complete freedom, you know, to wander about. We used to flatten coins on the railway track, you know. We used to take a little coin and then the train would go over and then we'd say, then we would put things under it to make it triangular and, you know, fun. We used to cycle, and because everything was safe. So we would cycle out like, you know, this way, cross the tracks with our bicycles, go down a little bit and reach the highway. There was a little kind of ring road. And cross it and go to the river. We used to go up to the river with our bikes parked. And if it couldn't reach, we would leave the bike somewhere and go. And there was never a question that you'd come back and not find your bike.
lot of singers and musicians, they develop is dargah se judkar, kyunki more than any other dargah in the world, this dargah of Nizamuddin is directly associated with music and dance. Because Amir Khusro, 700 years back, first started singing and dancing here. जो एक तारा होता था हमारे यहाँ का इंडिया का और जो रुबाब होती थी पर्शिया की और इसकी उसको उन्होंने मिला के क्रिएटेड सितार और जो हमारा ढोलक होता था उसको काट के दो हिस्से करके जो तबले का ये जो है वो उन्होंने क्रिएट किया. I'm talking of 65, 66. The biggest adventure. So when we became about 10 or 11, यहाँ से ट्रेन जाती थी वो मालगाड़ी टाइप टू फरीदाबाद. कभी तो वैसे ही चले गए वो ट्रेन में बैठ के और फिर सारा दिन चलते रहे भटकर में. नो मनी थे प्यासे दिन वी वुड कम बैक इन द इवनिंग. I remember walking from फरीदाबाद to निजामुद्दीन once because we had no money and we'd miss the train. Or we would put our cycles in the dabba. Delhi is a city of tube wells that everybody knows, hand pumps, tube wells, etc. But how are you going to sustain this? Because your water supply is not changing. And you know, for our colony, for the water table to fall from 15 feet to 70 feet was already a calamity waiting to happen. Because they were just so used to easy water, hand pumps, se, jet pumps, se, ki aapka tube well 70 feet pe pani de raha, 100 feet pe pani de raha, even ki pani to khatam ho jayega. So do something about it. So do something about it was make everybody in this colony recharge. And it was a green initiative. Only when we started doing the research, we realized it was also an opportunity for the colony to improve its infrastructure. Residents started looking at it, waterlogging. We said, fine, it will be a solution for that also, which is when the involvement came in. प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू बहुत पसंद थी, तो उस हिसाब से मुस्लिम्स कहीं का भी हो प्रेयर से पहले या फ्राइडे को ज़रूर अतर इस्तेमाल करता है. और वैसे रोज़ यूज़ करें तो कोई ख़राब बात नहीं है, अच्छी ही बात है. जैसे गुलाब का अतर गुलाब के फूल से बनना ज़रूरी है, समझे. बेला का अतर बेला से जैस्मिन से बनना ज़रूरी है. हर चीज़ इसमें नेचुरल है और नेचर से ताल्लुक़ रखती है. और मैं आपको बता दूं, परफ्यूम जो भी हैं ये सिंथेटिक होती हैं, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है. अब रहा जवान पार्टी का, आजकल के नौजवान लड़कों को तो इतर की खुशबू पसंद नहीं है. वो कहते हैं यार ये तो बुड्ढों वाली अतर है, खुशबू है, इसलिए हमें तो आप डेनिम दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो पॉइजन दे दो. आप पॉइजन का नाम सुन के जो आदमी नहीं जानता वो तो यार ये तो जहर है, हाँ होगो बॉस है, हाँ डेनिम है. और आपको मैं बताऊँ कोबरा है, बहुत सी ऐसी हैं. खास जो है वो यहाँ का वही है, कोरमा बिरयानी ज़्यादा खास होता है. रमज़ान के टाइम में तो बहुत ज़्यादा बनता है, और कब बन जाता है या कब इतना सारा आ जाता है कुछ पता भी नहीं चलता है, पूरा रमज़ान ऐसे ही हो जाता है. उस टाइम पे हम सारे फ्रूट के चाट बनाते हैं और पकौड़े वगैरह बनाते हैं. जो मतलब कम से कम गरीब से गरीब भी हैं वो भी सारे फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं. ये है कि एक रमज़ान में
पूरे महीने लोगों को फ्रूट मिलता है खाने के लिए। So when I was about 14 years old, my house faced that big gateway in Arab Ki Sarai, and at that time the stairway was open, we could go everywhere. And our parents got folding beds for us because we used to sleep out in the garden. And a folding bed for a 14-year-old child was not something light, you know. But I remember carrying that bed. I used to carry it regularly. I used to carry it up that gate and the narrow staircase and stretch it. And I would do my homework there, and I would have a siesta there, and I would come back, you know. Like you would go up, you know, into a castle, there was a light, as you saw. You know, like we used to read this Hansel and Gretel kind of stories, Enid Blyton and Secret Seven and all that. ये लाल वर्दी वाले जो कुली हैं अब 532 हैं, उस टाइम टोटल 45 थे। ये राजस्थान से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। एक्चुअली में इनका क्या है कि ये एक कुली की लाइफ मुश्किल से 10, 12, 15 साल तक की होती है, उसके बाद वो आगे अपने बच्चे को दे देता है बिल्ला। मेरे साथ के जो कुली थे वो तो सब वापस अपने गाँव में बैठे हुए हैं। कभी कभी आते हैं, बाई चांस आते हैं तो पूछते भी आ रहा, पंडित यार तू यही है अभी तक? मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ भाई, तुम तो चले गए, मैं कहाँ जाऊँगा। वो घर हमारा पहले तीन चादरों का था, पहले तीन चादरें थी और लखोरी की ईट होती थी, मेराबे बनी हुई होती थी घरों के अंदर, ज़्यादा पुराने टाइप का घर है हमारा। ये हमारा घर जो था मोहल्ले में एक ही था घर हमारा, दो चार घर और थे, मगर जो हमारा घर था ना वो हमारी महबूबे लाए निज़ामुद्दीन औलिया से मिला हुआ ही है। तो उस घर के अंदर ना महारानी आती थी पर्दे वाली, तो उस वहाँ बैठ के ना वो कवालियों का प्रोग्राम सुनती थी। बचपन में हमारे पूरा यहाँ पर दूर दराज तो खेत नज़र आते थे, बाकी ये सीजीओ कम्प्लेक्स का नामो निशान भी नहीं था। अब ये जंगल ऐसा था कि दिन के वक्त जाते हुए डर लगता था। ये ओबराय होटल हमारे बचपन में बना, मैं क्लास 7th में या 6th में पढ़ता था। तो आप ये समझ लीजिए कि पीटी जब कर रहे हैं फील्ड में जाते थे तो हम ये देखते थे सफ़ेद सफ़ेद पर्दे क्या हैं। तो हमारे पीटी टीचर थे, उन्होंने बताया यार तुम्हारे इलाके में कुछ बन रहा है ये, तो फिर हमें मालूम हुआ यहाँ होटल बन रहा है। जो अब नया रोड बना है ये पहले रोड नहीं था, सिंगल रोड हुआ करता था। ये आने जाने में लोग डरते थे, 7 बजे के बाद सुनसान हो जाता था एकदम। वही लोकल लोग जिन्होंने जाना है फाटक क्रॉस करके वो जाया करते थे। गुरपुरब पे जो भी निकलता है जुलूस वगैरह वो तो इसी रोड से निकलता है, वो यहीं से होते हुए जाते हैं पहले भोगल, भोगल से आश्रम वगैरह ऐसे घूमते हुए। मुस्लिम्स वगैरह इनके जो वो निकलते ताजिए वगैरह वो निकलते, क्योंकि काले खां में काफ़ी लोग रहते हैं ना, पहले यहाँ भी रहते थे, झुग्गी झोपड़ी थी तो यहाँ भी रहते थे।
बाज़ टाइम ऐसा हो जाता है ना, किसी किसी दिन हमारे शौहर जो है गाड़ी पर रहते हैं, तो कभी कभी दो दो बजे तक दोस्तों में बैठे रह जाते हैं। तो मैं अपना पा जाती हूँ वहाँ से, इधर ये मंदिर के पास हमारी गाड़ी खड़ी रहती है, तो घर से यहाँ तक मैं जब आती हूँ तो मुझे कोई डर नहीं लगता, कोई खौफ नहीं होता। लोग होते हैं और लाइटें हर जगह जली हुई होती हैं, मैं बहुत मतलब धड़ल्ले से जिसे कहते हैं किसी भी टाइम अपने, और कुछ मेरे मियाँ ने मुझे बहुत ताकत दे रखी है क्योंकि मुझे अपने शौहर की छूट है। My father used to go and meditate there. He would just go and sit there, just lie down there. चार किताबें ले जाते थे, दो सर के नीचे रखते थे, दो पढ़ते रहते थे। शायरी करी उन्होंने हुमायूं टूम में। I mean, he learned 9 or 11 ज़बाने in हुमायूं टूम। मैं आपको पुरानी बात बता रहा हूँ, C64 में चड्डा साहब रहते थे, उनके पास एक टीवी था, वो पास ही इशू करते थे उनके घर में। आप यकीन मानेंगे, उनके घर में, चड्डा साहब के घर में कोई 20-25 जन लोगों की जगह थी, उस हिसाब से इशू करते थे। भाई इतने बंदे मैं घर पे बैठा, 26 जनवरी देखनी है, 15 अगस्त देखनी है, वो दिखाया करते थे बड़े शौकीन। अलवी चौक पे पहले जो मैंने देखा है, पहले यहाँ पे सब कीकर वगैरह के पेड़ वगैरह खड़े थे यहाँ पर, और जंगल सा था, और भैंसे वगैरह बंधी हुई थी, डेयरी थी दूध की, हम दूध लेने जाते थे खुद वहाँ से, और छोटे छोटे जैसे उपले पाती हैं लेडीज़, तो हम उपले भी लाए खरीद के, हमारे घर भी चूल्हा जलता था। ये अलवी चौक बदला है आपका, करीब पिछले 8-9 सालों में बदला है, आप कोई कह भी नहीं सकता। वहाँ पर नाला था, वहाँ भी होता था, उसमें बच्चे वगैरह पत्थर वगैरह फेंक दिया करते थे, लेकिन गहरा नहीं था, उसमें कूड़ा करकट वगैरह भरा था, पत्थर वगैरह थे, उसके आसपास ही घर बन गए धीरे धीरे। निज़ामुद्दीन वॉज बोथ अ स्पिरिचुअल प्लेस, अ पिकनिक स्पॉट। It was the refuge for Bahadur Shah Zafar. It was a refuge for most of the Muslims who wanted to get out of Old Delhi. And especially women, when they got out, they never wore their burqas. ये जो 64 खंबा और ये सारा इलाका है जहाँ गालिब का मज़ार है, यहाँ पर सारा खुला था ये। I remember in our childhood, we used to come in tongas for a picnic. सब अपने अपने तांगे, तो अच्छा लड़कियाँ ज़रा फ्री हो जाती थी तो अपने दुपट्टे लहरा रही हैं और वो आवाज़ें लगा रही हैं कि दौड़ा दौड़ा, तो तांगे जो है दौड़ते थे, रेस होती थी। और दिल्ली वाले जो तांगे वाले की जुबान होती थी, दे विल नॉट से निज़ामुद्दीन, निज़ामुद्दीन भाई, आवाज भाई सलीम, अब चल रहा है निज़ामुद्दीन, चल रहा है बाबा साल को जा रहा है भाई, तो उनमें अभी आया, अभी तैयार हो रही हूँ। At that time we were not so aware of partition, we were not so aware of even independence, what is independence like. We were just wondering, why partition, for what? What's our fault? People started leaving their places and they were murdered, and young girls abducted, and were so scared. People being looted, even we were looted. We came in just 3 clothes and a chappal. Government provided us food. Government opened camps. One camp was here in Humayun Tomb. 10,000 people are accommodated here in various rooms. बने हुए ना आसपास, उनमें बाहर camps, tents लगे थे सब कुछ। I had my मासी here in Humayun Tomb camp. Very miserable conditions we saw in the camp. Very miserable conditions. People used to fight. They just one water connection. Just one central point. They give one electricity point. Nothing to burn. They used to fend for coal. They used to fend for everything. There was no financial help, but only gaddas. जैसे भी जिस condition में cheap or whatever quality the government could provide, but government had to provide.
लोग निजामुद्दीन के बारे में जानते हैं कि निजामुद्दीन में भी कबूतरबाजी हो रही है, जो आप सीढ़ियाँ मशहूर नहीं है, आप सीढ़ियाँ बज रही हैं, जितनी ही आवाज़ लगाओगे तो कबूतर दूर भागेगा और दूर जाएगा, तो इसीलिए आप जब भी कबूतरबाजी में देखोगे ना तो लोग सीढ़ियाँ बजाते हैं, चिल्लाते हैं, हर साल उनकी रेस होती है, कंपटीशन करते हैं आपस में, उनके साथ में ना दूरबीन वगैरह सब रहती हैं कि कबूतर मेरा कितनी दूर पहुंचा है। कबूतरबाजी में फ़ैन होता है ना वो तो अपनी छत पर चढ़ के ज़रूर देखेगा, लेकिन लोग है ना इरीटेट होते हैं उनकी सीटियों से, वो जो चिल्लाते हैं हा हुल्ला मचाते हैं, लोग इरीटेट होते हैं उससे। क्योंकि जिस टाइम पे मैं आई थी ना, तो जहाँ पे हम बैठे हैं ये पार्क है ये सब, और ये निज़ाम नगर में ये पूरा खुला था, ऐसे पार्क नहीं दिखता था, ये खुला था पूरा। यहाँ पे बड़े बड़े झूले लगते थे, एक बड़ा सा मतलब मेला लगता था यहाँ पे, बहुत बड़ा सा, हाँ 70वीं का जो मेला लगता था ना, तो उस टाइम पे हमको लगता था कि हाँ यहाँ पे उर्स है या मेला है, लेकिन आज जो है आज नहीं लगता। इतना तो पता है कि उर्स शुरू हो रहा है, पर मेले वगैरह का अब ये सब सिस्टम नहीं है, ख़त्म हो गया है सब। शायद ना मैं यहाँ पे जॉब करती ना मुझे इतना मालूम होता, होता ही नहीं। सालों हो गए गए हुए, कभी कभी पिक्चर विक्चर में देख लेते हैं।